ने जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसका क्लासेस का मतलब ये था कि हमें जो है अपना जो HPSSC शिमला का एग्ज़ाम, साथ में जो हमारे पास पटवारी की भर्ती आने वाली है जो कि आज की कैबिनेट मीटिंग में जो है अप्रूव हो चुकी है 874 पदों के लिए, साथ में फॉरेस्ट गार्ड की, जितनी भी जो हमारी HP गवर्नमेंट की जो भर्ती हैं जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जिसमें कि हम GK सेक्शन कवर करेंगे, ऑल ओवर हिमाचल का करंट अफेयर कवर करेंगे, और साथ में ही आपका जो हिंदी सेक्शन है वो भी साथ में कंप्लीट करेंगे, और इंग्लिश सेक्शन, इनकी क्लासेज हम जो है कंटिन्यू लेते रहेंगे और कंडक्ट करते रहेंगे। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, मैंने कल भी ये मैसेज किया था कि जो सीरियस है भाई लोग ज्वाइन करें, बाकी हमने नॉर्मल सी फीस रखी है 200 रुपीज़, जिसको भी अगर क्लासेज कंटिन्यू करनी है तो वो मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो है बैच का जो है टाइमिंग बता सकते हैं। दो बैच के लिए मैंने बोला था, एक 11 से लेकर 12 बजे तक का, और दूसरा बैच बोला था मैंने शाम का, जो AB का ये टाइम है इस टाइमिंग के लिए। तो फिर आज की जो हम क्लास है अब स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। तो जिसने भी जो पीछे वाली वीडियो है, पीछे वाली जो क्लास है अटेंड नहीं की है, तो उसकी वीडियो जो है अपने चैनल पे हमने पोस्ट कर दी है, वो वहाँ से जाके उसको टैली कर सकता है, नहीं तो फिर बाद में मैं उसकी एक अलग से क्लास ले लूँगा इन तीन डिस्ट्रिक्ट की। तो जो आज की हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानने योग्य हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिला बिलासपुर का जो गठन हुआ था, कब हुआ था। तो यहाँ पे जिला बिलासपुर का गठन हुआ था 1 जुलाई 1954 ईस्वी में। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिलासपुर जिला का जो गठन है कब हुआ था, और ये कब जो है हिमाचल प्रदेश में इसका जो है विलय हुआ था। तो जो बिलासपुर जिला का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 1954 ईस्वी में। बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, तो जो बिलासपुर जिला का कुल क्षेत्रफल है वो है 1,167 वर्ग किलोमीटर, जो कि HP का कुल है 2.10%। एक ऑप्शन भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करें जो जनसंख्या है बिलासपुर जिला की, जो कि 2011 के जो जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक है, तो बिलासपुर जिला की जो जनसंख्या है वो है 382,056। ये जो है बिलासपुर की जनसंख्या है, और ये जो है 5.57% है आपका HP की जनसंख्या का, 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, क्योंकि अभी तक जो है जनगणना नहीं हुई है तो नए आंकड़े नहीं आए हुए हैं। तो पेपर में आपको ये आपसे यही आंकड़ा पूछा जा सकता है, और यही आंकड़ा होगा, आंकड़े तब चेंज हो गए अगर जब जो है आपकी जनगणना होगी। इसी तरह हम बात करें जिला इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय मैंने कल भी आपको बताया था, वो चीज़ होती है जहाँ पे जहाँ से जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है यानी DC बैठता है। तो बिलासपुर का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में ही है, जो मतलब इसका बिलासपुर में जो है इसका DC ऑफिस है, यहीं से जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी कंट्रोल होती है। इसी तरह हम बात करें इसके जनसंख्या घनत्व की, तो बिलासपुर जिला का जो जनसंख्या घनत्व है हमारा वो 327 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इसी तरह हम बात करें इसके लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो की हम बात करें तो 918 है, ये आंकड़े सारे 2011 के हैं, ये आने वाले टाइम पे जब भी जनगणना होगी तो ये चेंज होंगे, बट एग्जामिनेशन में यही आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है जनगणना हुई नहीं है तो आंकड़े यही चल रहे हैं। इसी तरह हम बात करें इसकी साक्षरता दर की, तो जो बिलासपुर जिला का जो लिटरेसी रेट है वो है हमारे पास 85.87%। तो ये भी बहुत अच्छा इनका जो है साक्षरता दर है। इसी तरह बात करें दशकीय दर की, दशकीय दर मैंने आपको कल भी समझाई थी कि 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है या आने वाले टाइम पे कितनी होगी उसका एक अनुमान होता है। तो ये 2001 से लेकर 2011 का आंकड़ा है, तो जो इनकी दशकीय दर जनसंख्या वृद्धि हुई है वो 12.08% हुई है। अब बात करें हम कुल गांव की, जो बिलासपुर जिला में जो हमारे पास टोटल जो है 1,061 गांव है, जिनमें से जो आबाद गांव है जो जो कि फुल फैसिलिटेट हैं वो 965 हैं। बात करें यहाँ पे हम टोटल पंचायतों की, तो बिलासपुर जिला में जो है कुल मिला के जो है टोटल पंचायतें हैं 151, विकास खंड बिलासपुर जिला में 3 है, तो और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 4 है। इसी तरह हम बात करें शिशु लिंग अनुपात की, चाइल्ड बर्थ रेट की, तो यहाँ पे क्या है 893 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार,
अब ग्रामीण जनसंख्या जो है बिलासपुर की कितनी है जो कि गांव में बसती है, तो बिलासपुर जिला की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 356,930, जो कि बिलासपुर जिला की कुल जनसंख्या का 93.43% है। तो बिलासपुर जिला की कुल जनसंख्या मैंने पहले आपको कितनी बताई थी, तो बिलासपुर जिला की जो कुल जनसंख्या मैंने आपको बताई थी 382,056 जो कि टोटल है, और जो गांव में यहाँ पे हमारे पास जो जनसंख्या है वो है टोटल हमारे पास 356,930 जो कि बिलासपुर की कुल जनसंख्या का 93.43% है जो कि गांव में बसता है। अब बात करें हम इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में, बिलासपुर जिला की क्या भौगोलिक स्थिति है, बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश में कहाँ बसता है, कौन से इसके पास जो है साथ में जो है जिले लगते हैं, किसकी सीमाएं लगती हैं, कौन सी नदियां जो है बिलासपुर से क्रॉस होती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे भौगोलिक स्थितियों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बिलासपुर जिला जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिलासपुर के पूर्व में जो है मंडी जिला की सीमा लगती है और सोलन की लगती है, दक्षिण में सोलन सॉरी दक्षिण में जो है सोलन की सीमा लगती है और पश्चिम में पंजाब राज्य की। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य की सीमा जो है बिलासपुर के साथ लगती है, तो उसका इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब की सीमा जो है हमारे पास हमारे से बिलासपुर जिला से लगती है, राज्य एक ही है तो ये पंजाब की सीमा से लगती है। अब बात करें उत्तर दिशा में जो है हमीरपुर और मंडी तथा पश्चिम में ऊना जिला की इसमें स्थित हैं। जो बिलासपुर में सतलुज नदी है बिलासपुर को दो भागों में बांटती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी जो है बिलासपुर को दो भागों में बांटती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सतलुज नदी। तो ये नोट करने के लिए क्वेश्चन नोट करने लायक क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम बात करें पहाड़ियों की या धार की जो या पर्वत श्रृंखलाओं की, तो बिलासपुर जिला में कितनी है, तो सबसे पहले बिलासपुर बिलासपुर का जो आपको पता ही है कि जो इसका प्राचीन नाम है वो कहलूर है, और जो इसकी बिलासपुर को फतधार कहलूर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ये भी है, या कहलूर भी इसको रियासत भी बोलते हैं या इसको फतधार कहलूर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इसका जो फतधार का मतलब है कि यहाँ पे सात पहाड़ियाँ हैं, तो इसी के नाम पे जो है इसका नाम जो है फतधार पड़ा है। तो बिलासपुर का जो दूसरा नाम है एक हो गया कहलूर, कहलूर आया इसका पुराना नाम, और दूसरा आया इसका फतधार, फतधार कहलूर, तो इसको ये हम कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें उन सात पहाड़ियों की, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों में क्या क्या स्थित है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास पहाड़ी है वो है नैना देवी की पहाड़ी। इस पहाड़ी में क्या है, नैना देवी जी का मंदिर है, कोट कहलूर किला और फतेहगढ़ किला इस पहाड़ी में है, तो यहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है कि नैना देवी जी का मंदिर कौन सी पहाड़ी पे है, कौन सी धार पे है, तो वो आएगा नैना देवी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास एक और बनता है, कोट कहलूर किला कहाँ और फतेहपुर किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये आएगा नैना देवी की पहाड़ी पर स्थित है। ये दोनों दोनों किले हैं, फतेहपुर किला और कोट कहलूर किला। इसी तरह अगली जो हमारे पास धार है वो है कोट पहाड़ी, कोट पहाड़ी, कोट धार में बछरेट्टू किला स्थित है, ये बछरेट्टू किला है ये जो है इस धार में स्थित है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बिलासपुर में किले बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि बछरेट्टू किला कौन सी धार में है, तो यह आएगा हमारे पास कोट पहाड़ी धार या कोट कोट धार में, जो कि बिलासपुर जिला में पड़ती है और ये सात पहाड़ियां हैं। इसी तरह आगे है झंझियार धार, यहाँ पे क्या है सिरखड, जो हमारी सिरखड है जो जाऊ वगैरह से होकर निकलती है, ये जो है इसको दो भागों में बांटती है, और साथ में यहाँ पे क्या है इस धार में जो है गुग्गा गेट भी का मंदिर और देवी माता बढ़ोली का मंदिर है, तो ये क्वेश्चन भी है बनता है, गुग्गा गेट भी और देवी बढ़ोली माता का मंदिर कहाँ पे है, कौन सी धार में, तो ये आएगा झंझियार धार सॉरी। इसी तरह अगली हमारे पास जो धार है वो है त्यून धार, इसमें क्या है त्यून किला, यहाँ पे पीर बयानु है, ये सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, या पीर यहाँ पे पीर बयानु है ये मंदिर है, बहुत जो लखदाता जी का मंदिर है, ये बहुत माना हुआ मंदिर है यहाँ पे ये पियानू है, बट मेरे को कन्फर्म है कि ये भी इसका नाम जो है बिहानू है, तो यहाँ पे बिहानू पीर बिहानू जी का मंदिर है, बाकी इसको मैं सर्च करके आपको बता दूंगा कि प्रॉपर नाम क्या है इसका, बट इसका नाम जो है पीर बिहानू है का मंदिर यहाँ पे स्थित है। मंदिर यून किला सियून किला और नौरंगढ़ किला इस पहाड़ी पे स्थित है, तो यहाँ पे तीन किले हमारे आते हैं, त्यून धार्मिक त्यून किला, दूसरा आया हमारे पास
सिजून किला, और ये आया हमारे पास नौरंगढ़ किला, इस पहाड़ी पे स्थित है। अगला है हमारा बंदाला धार, ये 17 किलोमीटर लंबी है। इस धार की जो लेंथ है, लंबाई है, 17 किलोमीटर लंबी है। इस तरह हम अगले जो है हमारे पास वो है रतनपुर धार। इस पहाड़ी पे जो है रतनपुर किला है, तो इसका नाम जो है, तब इसका नाम रतनपुर धार पड़ा है, या बाद में किला बनाया गया है इस धार के ऊपर, जिसमें डेविड ओक्टरलोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। तो जो गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, उनको यहाँ पे हराया गया था। किसके द्वारा? डेविड ओक्टरलोनी के द्वारा, रतनपुर धार में। इस तरह जो लास्ट धार है यहाँ पे, वो है बहादुरपुर धार। यहाँ पे क्या है, बहादुरपुर का किला है, और जो कि 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है ये बहादुरपुर धार। ये जो किला है बहादुरपुर किला, राजा बिजयाई चंद का ग्रीष्मकालीन अभ्यास था। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास हमसे बनता है कि जो बहादुरपुर किला था, वो किसका जो है निवास था, वो था राजा बिजयाई चंद का ग्रीष्मकालीन आवास था। तो उन्होंने तब इस किले की स्थापना की थी। इसी तरह हम बात करें नदियों की, तो बिलासपुर जिला में कितनी नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन उनकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी नदी है वो है सतलुज। सतलुज नदी जो है बिलासपुर जिला में कसोल से प्रवेश करती है, जो कि कुल्लू का है, सॉरी मंडी मंडी से प्रवेश, सॉरी सतलुज नदी कसौल से बिलासपुर में प्रवेश करती है, और नैला गांव जो भाखड़ा भाखड़ा से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। प्रवेश आती कहाँ से? कसौल से बिलासपुर में प्रवेश करती है, यानी मंडी से। और छोड़ती कहाँ से? नैला गांव, जो कि भाखड़ा के समीप है, वहाँ पे जो है पंजाब में प्रवेश करती है। और बिलासपुर जिले में अली खड, गंबर और सिरखड, ये जो है सतलुज की प्रमुख नदियां हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिलासपुर जो सतलुज नदी है बिलासपुर जिला में, उसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो एक आएगा हमारे पास अली खड, गंबर खड और सिरखड, ये जो है सतलुज की सहायक नदियां हैं। इसमें जो है सिरखड जो है सतलुज की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। सिरखड में बालघर के पास शुक्रखड़ मिलती है, तो ये अलग बात हो गई। तो यहाँ पे जो है ये शुक्रखड़ जो है इसमें मिलती है। ये जो सिरखड है हटवार से बिलासपुर में प्रवेश करती है। शेरी के पास जो हटवार से बिलासपुर में प्रवेश कर शेरी के पास सतलुज नदी में मिलती है। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिरखड है बिलासपुर में कहाँ पे प्रवेश करती है, और कहाँ पे जो है सतलुज नदी में मिलती है। तो जो हमारा ये सिरखड है, ये हटवाड़ नामक स्थान, जो कि जाऊ के थोड़ी पारली खाड़ी क्रॉस को है, कोट हटवाड़, वहाँ पे जो है बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है, और शेरी के पास जो है सतलुज में मिलती है। ये हमीरपुर की बाउंड्री पे है एक टाइप से। अगला हमारा गंबर खड़ शिमला तारा देवी जिले से निकलकर, मतलब शिमला जिला से निकलकर जो स्थान है वो है तारा देवी ये वो है हमारा, वहाँ से है, से निकलकर नेरी गांव में बिलासपुर में प्रवेश करती है गंबरखड़। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गंबरखड़ जो है बिलासपुर में कहाँ से प्रवेश करती है। तो जो गंबरखड़ है वो नेरी गांव में जो से निकलकर बिलासपुर में प्रवेश करती है, और डंगरान के पास गंबरखड़ सतलुज नदी में मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है इसका। इस तरह हम बात करें अगला अली खड, ये बीच की जो है सतलुज नदी की जो है सहायक नदी है। तो अली खड़ जो है सोलन के अरक्की से निकलकर कोठी हरार में बिलासपुर में प्रवेश करती है। तो अरक्की से आती है सोलन के, और कोठी हरार में जो है बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है। अली खड़ बेरी घाट के पास सतलुज नदी में मिलती है। तो ये होगी खड्डों की बात, जो कि इसकी सहायक नदियां हैं, नाले हैं, उनके बारे में बात होगी, सतलुज नदी के बारे में। बिलासपुर जिला में यही नदियां बहती हैं। इस तरह बात करें हम टैंक टोबा, ये एक टाइप से जो है तालाब टाइप से हैं ये, तो अलग अलग जगहों पे बने हैं, तो इनको टैंक टोबा बोलते हैं। टोबा जो है लोकल भाषा का नाम है इनका, तो लोकल जो बिलासपुरी हैं वो उनको टोबा बोलते हैं। एक टाइप से पॉन्ड टाइप से, जैसे मतलब कि तालाब टाइप से हैं, उस टाइप के हैं ये।
सबसे पहले जो जो इसमें टोब्बा या टैंक है वो है जगत खाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जगत खाना टैंक का निर्माण किसने किया है। ये हर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जगत खाना वाला। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, टेट वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका निर्माण जो किया था राजा हरिचंद ने किया था 1874 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह आगे है स्वारघाट टैंक, इसका निर्माण भी 1874 ईस्वी में हीराचंद ने किया था। सॉरी सॉरी, दोनों में हीराचंद ही है। इस तरह टैंक सगवाना, इस टैंक का जो निर्माण था वो विजय चंद ने किया था। और इसके अलावा बिलासपुर में टैंक कसोल, टैंक जमथाल, टैंक रिवालसर और टैंक नैनादेवी स्थित हैं। बट जो यहाँ पे सबसे जरूरी है वो टैंक जगत खाना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इसका नाम और इसका जिला और इसके जो निर्माण कब किया था, किसने करवाया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब हम बात करें जल प्रवाह या चश्मे की, तो बस्सी और लुंड, ये इस यहाँ पे जो है दो जल प्रवाह हैं। इस तरह जिले, झील की हम बात करें तो आप सबको पता है गोविंद सागर जो है बिलासपुर जिला में झील है, और ये मानव निर्मित झील है और सबसे बड़ी झील है मध्य प्रदेश की, जिसको जो है आदमी द्वारा निर्मित किया गया था। और ये इसमें जो है सतलुज नदी का जो पानी, सतलुज के पानी, सतलुज नदी का पानी इसमें डाला गया है। भाखड़ा बांध इसी नदी पर बना है। इस झील का जो कुल क्षेत्रफल है, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है कि गोविंद सागर झील का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो जो इस झील का क्षेत्रफल है वो है 168 वर्ग किलोमीटर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो वो आएगी आपकी गोविंद सागर। इसकी जो लंबाई है वो भी आप याद रख लें, बहुत जरूरी है भी। और भाखड़ा बांध की आधारशिला जो रखी गई थी, वो रखी गई थी 1955 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाखड़ा बांध की जो आधारशिला है कब रखी गई थी और किसके द्वारा रखी गई थी। तो जो भाखड़ा बांध की जो आधारशिला रखी गई थी वो 1955 ईस्वी में रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि जो था कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए इस बांध को बनाया गया था। और ये बांध जो है बहुत सारे राज्यों के जो है बिजली की आपूर्ति करता है। इस बांध की जो कुल ऊंचाई है वो है 225 मीटर। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भाखड़ा बांध की ऊंचाई आपसे पूछ सकते हैं, तो वो है 225 मीटर। और ये जो बांध था बन के जो तैयार हुआ था 1963 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। 55 में इसका इस नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी, और 1963 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। गोविंद सागर झील सिबलासपुर में टोटल जो है कुल जो है, जब ये गोविंद सागर झील बनी थी तो इसमें जो है कुल बिलासपुर के 256 गांव थे जो उसमें डूब गए थे, यानी जलमग्न हो गए थे। अभी भी ये गांव गर्मी के मौसम में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ यहाँ पे जो मंदिर वगैरह है वो निकलते हैं। तो ये 256 गांव थे जो जब ये झील बनकर तैयार हुई थी तो इसमें जो था जलमग्न हो गए थे। अब हम बात करेंगे बिलासपुर जिला के इतिहास के बारे में, जो कि बिलासपुर जिला की हिस्ट्री है। बिलासपुर जिला का पुराना नाम जो है मैंने आपको बता ही दिया, कहलूर है। कहलूर रियासत की स्थापना थी, की स्थापना भी इसको बोल सकते हैं। बिलासपुर फर्स्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर इस बुक्स के नाम है जो इतिहास की बुक हैं। बिलासपुर फर्स्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर गेटेरियर और गणेश सिंह की गणेश सिंह जी की ये पुस्तक हैं। चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद ने इनकी पुष्टि की है, पुष्टि से होती है कि कहलूर रियासत की नींव बीरचंद ने, जो बिलासपुर रियासत की नींव थी वो रखी थी बीरचंद ने सन ईस्वी में 697 ईस्वी में। बट क्या है कि कुछ बुक्स पे ये लिखा गया है कि बीरचंद ने जो है इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 900 ईस्वी में। तो ये इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे है, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 997 ईस्वी में रखी गई थी, और इसकी नींव रखी थी बीरचंद ने कैलोर रियासत की, जो कि आजकल हम उसको नाम को बिलासपुर के नाम से जानते हैं। तो यह है हमारी कैलोर रियासत। बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो है कैलोर। और बीरचंद चंदेल बुंदेलखंड चंदेरी के चंदेल वंश के राजपूत थे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके पिता का नाम था हरिचंद, और इनके जो थे ये पांच पुत्र थे।
वीरचंद ने सर्वप्रथम जो है सतलुज नदी को पार कर जो वहां के रोहन ठाकुर थे उनको हराया था। और जो अपने इन्होंने अपना किला जो स्थापना पहला किला जो बनाया था वो था कोट कैलूर, जिन जहाँ पे इन्होंने किला स्थापित किया था अपना। वीरचंद ने नैना गुज्जर से आग्रह कर नैना देवी का मंदिर बनवाया। ये नैना देवी का मंदिर भी है, वीरचंद जी ने ही बनवाया है। और उसके नीचे अपनी इन्होंने राजधानी रखी है, जो इनकी राजधानी थी वो नैना देवी के पास थी, वीरचंद जी की बिलासपुर की जो प्राचीन राजधानी थी। जो पुरानी कथा है इसमें अनुसार जो है नैना देवी में फती नैना माता के जो है नयन गिरे थे। राजा वीरचंद ने 12 ठकुराइयों बांदल मुसरी बाग्गल कुनिहार बेज्जा धामी क्योथल कुठाड़ जुब्बल बघाट भज्जी महलोग माग्गल बलसन को अपने नियंत्रण में किया था। अलग अलग मतलब गांव ठकुराइयों को बोलते थे, गांव जो कि ठाकुर के अंडर थे। अब हम बात करेंगे बिलासपुर जिला की अर्थव्यवस्था के बारे में कि यहाँ पे इकोनॉमी के कौन कौन से साधन हैं। तो यहाँ पे बिलासपुर में सबसे पहले हम बात करें, बिलासपुर में जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉट मछली का पालन, जो ट्रॉट मछली का जो है प्रजनन केंद्र है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है ट्रॉट मछली का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो अगर जिला पूछेंगे तो बिलासपुर आएगा, और बिलासपुर जिला में पूछे तो आएगा दियोली। इसकी स्थापना जो की थी 1962 ईस्वी में की गई थी। दूसरा इसमें जो इकोनॉमी का साधन है वो है बरमाणा में एसएससी सीमेंट की फैक्ट्री, जो कि बिलासपुर की इकोनॉमी का एक साधन है। और स्वार घाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष स्थित है। ये उसके मतलब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के बारे में है कि क्या क्या बिलासपुर जिला में स्थित है। इस तरह बिलासपुर में 1944 ईस्वी को पहला बैंक बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना कब हुई थी। तो बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक की पहली शाखा यहाँ पे जो था 1956 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कोठीपुरा में जो है पशु प्रजनन केंद्र स्थापित है। रघुनाथपुरा में जो है बिरोजा फैक्ट्री है। तो एक ऑप्शन भी पूछा जाता है कि बिलासपुर जिला में कौन सी जगह पे जो है बिरोजा फैक्ट्री है। बिरोजा मतलब जो कि चील का जो निकलता है तो उसकी जो उसको बिरोजा बोलते हैं, तो यानी रेजिन फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये जो है रघुनाथपुरा में है, साथ में यहाँ पे क्या सेंट्रल जेल वगैरह साथ में ही है। वहाँ पे जो बिलासपुर की जेल वगैरह है वो उसी के साथ में है। इस तरह भरठी में जो है नवोदय स्कूल है। कंद्रोल जो है एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ये भी हम तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे ऊंचे पुल का नाम बताओ। तो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है कंद्रोल पुल, और ये है बिलासपुर जिला में। और 1959 से लेकर 1964 ईस्वी के बीच में इसको जो है बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? सतलुज नदी के ऊपर। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 80 मीटर। बिलासपुर में फलापड़ में जो है 1960 से 1964 ईस्वी में जो है ये निर्मित है। इस तरह गमरोला पुल घाघस पुल ये अलग अलग से हैं। तो जो बिलासपुर की इकोनॉमी की हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी के यहाँ पे साधन है वो है एक तो ये मछली का जो फार्म है, दूसरा हो गया हमारे पास बरमाणा ये सीमेंट की फैक्ट्री, तीसरा हो गया यहाँ पे ये बिरोजा फैक्ट्री। बिलासपुर की इकोनॉमी के साधन है, और ये कोठीपुरा का पशु प्रजनन केंद्र वगैरह है। तो ये उसके इकोनॉमी के साधन है। इसी तरह बात करें मेले और मंदिर की, तो बिलासपुर जिला में कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से यहाँ पे मंदिर हैं। पहले हम बात करेंगे मंदिर की। बिलासपुर जिला में सातलाई में जो है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में है और कौन सी जगह पे स्थित है। तो जिला का नाम आएगा बिलासपुर, जगह का नाम आएगा सातलाई। तो ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। इस तरह गुग्गा बटेर में गुग्गा मंदिर है। बिलासपुर में गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, रंगनाथ मंदिर, धोलरा में नरसिंह मंदिर, पीर भयाणु, जो मैंने पहले आपको बताया है कि ये लखदाता जी का मंदिर है, और नैना देवी का मंदिर। यहाँ पे सबसे फेमस जो हमारे पास मंदिर है बिलासपुर जिला में, दो मंदिर हैं। एक है हमारे पास सातलाई में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, और ये है नैना देवी जी का मंदिर। तो ये मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर हैं।
अब हम बात करें मेलों की। यहाँ पे जो है नलबाड़ी का मेला जो है सबसे बड़ा मेला होता है बिलासपुर जिला में। ये जो है 1890 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, डब्ल्यू गोल्ड स्टीन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये जो मेला है पशु मेला है, जो नलबाड़ी मेला है वो पशु मेला है। ये जो था पहले फाटू मैदान में लगता था, पर भाखड़ा बांध बनने के बाद जो है लोहड़ू मैदान में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिलासपुर का जो नलबाड़ी मेला है वो पहले किस स्थान पर लगता था, तो इसका स्थान का नाम आएगा फाडू, ठंडू स्थान, ठंडू मैदान। और अब कहाँ लगता है, अब होता है लोहड़ू मैदान में। यहाँ पे गुग्गा मेला गेड़ी में लगता है। तो ये छोटे छोटे मेले हैं जो लोकलिटी के मेले हैं, बट यहाँ पे नलबाड़ी मेला ये जो है राज्य स्तरीय मेला है। अब हम बात करें जन आंकड़ों की, तो वो मैंने आपको बता दी है कि बिलासपुर जिला की कुल जनसंख्या कितनी थी, इसमें कितना इसकी शिशु दर है, तो वो इसमें आएगी हमारी। अब हम बात करेंगे कि जो बिलासपुर जिले का फतान, जैसे कि कौन कौन से नंबर पे आता है किस क्षेत्र में, तो क्षेत्र के हिसाब से जो है बिलासपुर का जिला जो है दूसरा सबसे छोटा जिला है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा दूसरा जिला है बिलासपुर क्षेत्रफल के आधार पे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 1167 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के स्थान पर जो 10वें नंबर पे है बिलासपुर जिला, 10 के दर पे जो है ये 8वें स्थान पर है। सड़कों के बात करें हम तो यहाँ पे 10वें स्थान पे बिलासपुर जिला है, साक्षरता में जो है 4थे स्थान पर है, और वन क्षेत्र में 11वें स्थान पर है। बिलासपुर जिला में 2011-12 में कटहल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आया है। तो यहाँ पे कटहल और जीविंगंध दो फसलें बड़ी अच्छी होती हैं बिलासपुर में। आम और पपीता के उत्पादन पे 4थे स्थान पर है बिलासपुर जिला, घनत्व में 3रे स्थान पे है। तो आगे वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि इसका जो गांव की लिंग अनुपात वगैरह के बारे में है, बट यहाँ पे सबसे जरूरी था जो था वो ये क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे, तो वो है हमारा बिलासपुर, को अपने पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो हमारी अगली डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। आई होप आपको जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट समझ आ गई होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगी तो मैं आप ये वीडियो पुनः फिर से देख लें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाद में जो है इस समय इन सब की जो है PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, और इनके जो अभी हम इनके जो है नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि क्वेश्चन है MCQ में। ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन चली है डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या है। अगर इनके MCQ के बारे में बात करें तो हज़ारों के हिसाब से MCQ बनेंगे, बट हम जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे पास MCQ होंगे वही हम डिस्कस करेंगे इनमें। अब आती है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात। हमीरपुर जो और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों थोड़ी थोड़ी सेम सी हैं, क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को अलग करके ही जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई थी। तो इसमें थोड़ा सा जो है इसकी जो हिस्ट्री वगैरह आगे की होगी, जो राजाओं के नाम वगैरह होंगे वो थोड़ा सेम आएंगे, इसमें थोड़ा कम सा मतलब आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि और डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है कि ये राजा हुए हैं वो इसका हुआ है, तो छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, इसकी हम बात करेंगे। तो जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था वो 1 सितंबर 1932 में हुआ था। पॉइंट सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि हमीरपुर जिला का गठन कब हुआ था जिले के रूप में, 1 सितंबर 1972। मुख्यालय इसका हमीरपुर आएगा, मैंने मुख्यालय के बारे में आपको पहले भी बता दिया है, अभी भी बता दिया है, ठीक है। घनत्व इसका आएगा, जनसंख्या घनत्व 2406 है। साक्षरता दर 90.01% है। इसका क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये है हमारे पास 1118 वर्ग किलोमीटर, बिलासपुर से थोड़ा छोटा है और सबसे छोटा जिला है ये जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से हमीरपुर जिला। जनसंख्या की हम यहाँ बात करें तो 4,54,293 है, जो कि HP की कुल जनसंख्या का 6.63% है। तो जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है और एरिया यहाँ पे कम है। लिंग अनुपात की हम बात करें तो यहाँ पे जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो है, वो है 1096। 10 के दर मैंने आपको पहले भी समझा दी है कि 10 सालों की जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसको 10 के दर बोलते हैं। तो जो बिलासपुर जो सॉरी जो हमीरपुर की जो 10 के दर है वो 10.08% है। कुल गाँव की हम बात करें तो बिलासपुर में सॉरी हमीरपुर में जो है
1672 गांव है, आबाद है यहाँ पे 1635, पंचायतें यहाँ पे 229 हैं, विकास खंड यहाँ पे 6 हैं। बिलासपुर में कितने थे हमारे पास, बिलासपुर में 3 थे, और यहाँ पे क्षेत्र यहाँ पे 5 हैं। शिशु लिंग अनुपात की हम बात करें तो वो है यहाँ पे 881 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब जनसंख्या की हम बात करें, जो गांव में बस्ती है वो है 422,830। टोटल कितनी थी हमारे पास, टोटल थी हमारे पास जनसंख्या इसकी बिलासपुर जिला की वो थी 454,293, जो कि टोटल ऑल ओवर है। बाकी जो गांव में बस्ती है वो है 422,880। अब हम बात करेंगे जो इसकी जियोग्राफी है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति है बिलासपुर जिला की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है, यानी पश्चिम भाग में ये स्थित है हमीरपुर जिला। इसके उत्तर पूर्व में जो है मंडी जिला, पश्चिम और दक्षिण में जो है ऊना, उत्तर में कांगड़ा, दक्षिण में बिलासपुर जिला, ये सीमा इसके लगती हैं। और जो समुद्र तल से जो है हमीरपुर की जो ऊंचाई है वो है 786 मीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमीरपुर शहर के जो समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी है, वो है 786 मीटर। अब यहाँ पे धार चोटियों की हम बात करेंगे, यहाँ पे तीन धारें, जो तीन जो पर्वत श्रृंखला है वो आती हैं, तीन धार यहाँ पे आती है, मुख्य धार है। एक है जख धार, छबूतरा धार, और तीसरी है सोल सिंगी धार। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी जख धार है बुंदौन से हमीरपुर में प्रवेश करती है, याद रखने योग्य बात है, नोट करने के लायक है कि जो जख धार है वो कहाँ से प्रवेश करती है हमीरपुर में, वो है करती है हमारी नदौन से हमीरपुर में प्रवेश करती है। हमीरपुर शहर जख धार के पूर्व में स्थित है। सोल सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है, सबसे लंबी धार के बारे में पूछा जाए हमीरपुर की तो वो है सोल सिंगी। इस तरह इससे उन्ना में चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से जाना जाता है। तो एक ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि सोल सिंह का दूसरा नाम क्या है, किस धार के नाम से इसको जाना जाता है, तो उन्ना में इसको चिंतपूर्णी धार या जसवा धार के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से जो बनता है। अब हम बात करेंगे नदियों की, तो जो नदियां यहाँ पे हैं, ब्याप नदी हमीरपुर की कांगड़ा की कांगड़ा से सीमा बनाती है, नोट कर लें इसको भी। मानखंड पश्चिम भाग में, कुनहाड़ सॉरी कुनहा खड उत्तर पश्चिम भाग में, बेकर खड ये खड्डों के नाम है भाग में बहकर ब्याप नदी में मिलती हैं। सिरखड मंडी जिला से हमीरपुर में किस सीमा में प्रवेश करती है, ये भाई आ गया अब जाऊ वाली सिरखड, क्योंकि तो जाऊ में निकल जाऊ में आती है सिरखड, हटवाड़ वगैरह से होकर निकलती है, उसी की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे हमीरपुर की हिस्ट्री के बारे में। हमीरपुर की हिस्ट्री और कांगड़ा की हिस्ट्री बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है वो मैं आपको बता दूंगा। तो हमीरपुर की स्थापना जो हुई थी हमारी 1700 ईस्वी में की थी, और ये की किसने थी, आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद ने, जो कि कांगड़ा के शासक बने, क्योंकि भी पहले जो हमीरपुर था वो कांगड़ा का ही एक भाग था, बाद में इसको अलग करके जो है अलग स्थापित किया गया, 1700 ईस्वी में इसको अलग बनाया गया था हमीरपुर को, कांगड़ा से अलग किया गया था। इस समय कांगड़ा किला मुगलों के अधीन था जब हमीरपुर की स्थापना हुई थी। हमीरचंद ने जो था 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण किया कांगड़ा, और इस पे वही स्थान कालांतर में हमीरपुर कहलाया, मतलब हमीरपुर का जो किला है हमीरपुर का बनाया गया था 1743 ईस्वी में, और बनाया इसके द्वारा गया था हमीरचंद के द्वारा, तो उसी के नाम पे जो है हमीरपुर का नाम पड़ा है, पहले यहाँ किला हुआ करता था।
1884 ईस्वी में तहसील कार्यालय बनाया गया, और जो है हमीरपुर को जो है 1884 ईस्वी में तहसील कार्यालय बनाया गया था। इस प्रकार हमीरपुर को नंदौन के स्थान पर 1858 ईस्वी में तहसील मुख्यालय बनाया गया। पहले कार्यालय बनाया गया, फिर इसको मुख्यालय बनाया गया, सॉरी पहले इसको मुख्यालय बनाया गया, फिर इसको कार्यालय बनाया गया। फाइनल में मुख्यालय कब बना था ये 1858 ईस्वी में, और कार्यालय बना था ये 1884 ईस्वी में। इसी तरह बात करें सुजानपुर टीरा की, तो सुजानपुर टीरा 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभिजंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनवाए थे जो कि टीरा नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो सुजानपुर का नाम पड़ा है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो जो सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनाए थे तो उनको टीरा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। सुजानपुर शहर की स्थापना घमंड चंद ने की थी। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है कि सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो सुजानपुर शहर की जो स्थापना थी वो घमंड चंद ने की थी, और ये कब की गई थी 1761 ईस्वी में। सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया। तो पहले जो था सुजानपुर टीरा जो था कांगड़ा की राजधानी थी। तो किसने बनाई थी, ये बनाई थी कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। राजा संसार चंद ने 1793 ईस्वी में सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुजानपुर के गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। तो जो सुजानपुर के गौरी शंकर मंदिर का जो निर्माण था वो करवाया था संसार चंद ने, और जो सन था वो था 1793 ईस्वी में। इस तरह नवदेश्वर मंदिर 1883 में बनाया था, ये भी संसार चंद द्वारा बनाया गया था। राजा संसार चंद ने सुजानपुर टीरा में ब्रिज जैसी होली का त्यौहार करवाया। तो इसलिए जो है जो सुजानपुर का जो है सबसे फेमस मेला होता है होली का मेला। सुजानपुर टीरा की 1820 ईस्वी में विलियम मुरफॉक्ट और जॉर्ज ट्रीवेक ने यात्रा की थी। ये बात अलग है, इसमें कुछ नहीं इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है। सुजानपुर टीरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। तो एक ऑप्शन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पे है, तो वो है सुजानपुर टीरा में। और यहाँ पे जो है खेल का सबसे बड़ा खेल मैदान भी यहीं पे स्थित है सुजानपुर टीरा में। तो दो चीज़ें सुजानपुर में फेमस हैं, सॉरी तीन चीज़ें हैं। एक तो इसके किले जो कि सुजानपुर में बनाए गए हैं, और साथ में इसका जो सैनिक स्कूल है, तीसरा आ गया हमारे पास मैदान, ये सुजानपुर में फेमस है। अब इस तरह बात करें नदौन की। नदौन शहर जो है ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। जो नदौन है वो ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। इस स्थान पर 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। तो एक ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि नदौन में जो था किस स्थान पर, हमीरपुर जिला के किस स्थान पर जो था गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। तो स्थान का नाम आएगा नदौन, और कब हराया था 1687 ईस्वी में, और यह युद्ध नदौन युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपका नदौन युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो नदौन युद्ध हुआ था हमारा 1687 में, और किसके बीच हुआ था, गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर के राजा और मुगलों के बीच। ये दोनों गुरु गोविंद सिंह और जो ये राजा भीमचंद थे ये एक पार्टी में थे, और मुगलों को यहाँ पे मिलकर हराया था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने नदौन के पास अमतर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो उन्होंने अपनी राजधानियाँ बहुत ज़्यादा बदली हैं जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद। संसार चंद ने नदौन के बारे में कहा है, आएगा नदौन जाएगा कौन, ये मतलब लोकलिटी में उन्होंने कहा था अपने टाइम पे, तो उतना याद रखने लायक बात नहीं है ये। राजा संसार चंद ने मंडी के राजा, और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि मंडी के किस राजा को जो था राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक जो था नदौन जिले में रखा था, तो उसका नाम आएगा राजा ईश्वरी सेन। ये पूछा जाता है बहुत बार, पूछा गया है। तो जो इनको जो छुड़ाया गया था, तो जो ईश्वर सेन थे इनको जो था गोरखाओं ने था इनकी क्या से छुड़ाया गया था, जो राजा संसार चंद की क्या में जो राजा ईश्वरी सेन थे इनको जो छुड़ाया गया था वो गोरखाओं ने छुड़ाया था 12 सालों के बाद। यात्रा वगैरह है इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, ये मतलब कोई जरूरी नहीं है। मार्क फर्स्ट ने 1820 ईस्वी में दौड़ की यात्रा की थी, ये कोई जरूरी पॉइंट नहीं है।
नदौन को जो फिर का मुख्यालय बनाया गया था वो 1846 ईस्वी में बनाया गया था। यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना 2000 ईस्वी में नंदौड़ में की गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके से, यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो ये हमारी हुई है नंदौड़ में, और कब हुई है 2000 ईस्वी में। अगला आता है महल मौर्या। हमीरपुर में महल मौर्या जो मौर्या में 1806 में गोरखाओं के राजा संसारचंद को हराया था। तो ये आया भाई, ये तो जब यहाँ पे इनका युद्ध हुआ था जो मंडी के राजा को छुड़ाने के लिए, तो ये उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और कांगड़ा किले में जो जहाँ था जो संसारचंद जी थे, उन्होंने कांगड़ा के किले में जो था स्वर्ण ली थी यहाँ पे। हमीरपुर 1806 से लेके 1847 ईस्वी तक सिखों के नियंत्रण में रहा। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि पंजाब का हिस्सा बन गया था, और पंजाब आज भी बोलता है कि जो हमीरपुर है ये हमारा क्षेत्र है। तो कब से कब तक रहा है? 1806 से लेके 1846 तक। तो आपने ये पूछा जा सकता है कि हमीरपुर जो था सिखों के अधीन कब से कब तक रहा है? तो 1806 से लेके 1846 ईस्वी तक, यानी 40 साल जो था सिखों के नियंत्रण में रहा था। और 1846 ईस्वी में हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन चला गया। एक सिखों से छूटा और किसके अधीन गया? अंग्रेजों के अधीन गया। कब गया? 1846 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे भूमपल। साहित्यकार यशपाल का जन्म भूमपल में हुआ था, एक गाँव है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, साहित्यकार यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो साहित्यकार यशपाल का जन्म हुआ था भूमपल गांव में। और ये थे कौन जो साहित्यकार यशपाल थे? ये एक स्वतंत्रता संग्राम के इन्होंने जो था लड़ाई वगैरह लड़ी थी, और वे कैद हुए थे उस टाइम पे 1819 ईस्वी में, सॉरी 1918 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया था, और कैद हुए थे। मतलब एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फेमस हैं हमीरपुर में। तुमसे को अपने बनता है कि यशपाल साहित्यकार और यशपाल का जन्म कहाँ हुआ, और इन्होंने कौन से समय जो है संग्राम में भाग लिया था? तो इनका जो जन्म हुआ है वो है भूमपल में, और जो संग्राम था वो था स्वाधीनता संग्राम, और कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। अब आता है हमारे पास विक्टोरिया क्रॉस। हमीरपुर के लांस नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध में अदम्य साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया था कि विक्टोरिया क्रॉस जो है किस चीज़ से संबंधित है, खेल से संबंधित है या वीरता पुरस्कार के से संबंधित है? तो ये जो है वीरता पुरस्कार से संबंधित है, और ये किससे मिला था सबसे पहले वो, और ये एकमात्र है हिमाचली जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है लांस नायक लाला रामचंद्र को। हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं, साहस के लिए इनको ये विक्टोरिया क्रॉस मिला था। अंग्रेजों के टाइम की बात है, प्रथम विश्व युद्ध में। अब आती है जिले के निर्माण के बारे में करते हैं हम बात। हमीरपुर जिला 1966 ईस्वी में से पूर्व जो था पंजाब का हिस्सा था। हमीरपुर कांगड़ा जिले की तहसील के रूप में 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। मतलब 1966 तक जो था पंजाब का हिस्सा रहा, और कांगड़ा के तहसील के रूप में इसको जो था मिलाया गया था हिमाचल प्रदेश में। कब मिलाया गया था? 1966 ईस्वी में। हमीरपुर को 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से अलग कर दिया गया और जिले के रूप में बनाया गया। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन पार्ट है कि हमीरपुर जिला जो था इस जिले के निर्माण से पहले किस जिले में, किस जिले की तहसील था? तो वो था कांगड़ा जिले की तहसील। और उससे पहले किसके अधीन था? ये था पंजाब के अंडर था। और इसको अलग कब किया गया था पंजाब से? 1966 में अलग किया गया था। किस लिए अलग किया गया था? अलग इसलिए किया गया था कि इसको तहसील बनाया गया था कांगड़ा जिला की। और 1972 में, 1 सितंबर 1972 में जो था इसको जो था कांगड़ा से अलग कर दिया गया था। हमीरपुर जिला बनने से पूर्व कांगड़ा जिले का उपमंडल था, है उपमंडलीय तहसील थी। हमीरपुर और बड़सर दो तहसीलों से हमीरपुर जिले का गठन हुआ है। सबसे पहले हमीरपुर में कितनी तहसीलें थी? दो तहसीलें, हमीरपुर और बड़सर। इन दो तहसीलों जो था से था इसका जो था जिले का निर्माण होता, बट अब तो सात कर दी हैं, पर सात तहसीलें हैं, तो आप किसी को भी जो है जगह को या किसी भी ब्लॉक को जो जिला घोषित कर सकते हैं। तो उस टाइम की बात चली है, तो उस टाइम दो तहसीलों को बना के जो था ये मध्य प्रदेश का इसको जो था जिला बनाया गया था। वर्ष 1900 ईस्वी में इसकी जो तहसीलें बनाई गई, सुजानपुर, टीरा, नदौन, भोरंज,
ये इसकी तहसील बनाई गई थी। अब तो इसका एक इनमें टौणी देवी का भी अपना ऐड हो गई है, ब्लॉक इसमें बमसन वगैरह ऐड किए गए हैं, वो अलग चीज़ है। अब आती है बात डाइवर्स की। डिओर स्थित में बाबा बालकनाथ का मंदिर हमीरपुर में पक्का भैरव में जो है, जो हमारा अभी कमीशन का ऑफिस बंद हुआ है वो भी यहीं पे स्थित था। कॉफ़ी पूछते लेते थे कई बार हम, जो हमीरपुर का जो हमारे पास चयन आयोग था कि हमीरपुर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग बोर्ड कहाँ पे स्थित है, वो ये आपका आ गया पक्का भैरव हमीरपुर में, बट अभी बंद है तो आप सबको पता ही है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ओपन हो जाए। आज की कैबिनेट मीटिंग में भी इसके बारे में बात चल रही थी कि इसको ओपन किया जाएगा और जो भर्तियां वगैरह है इसी के थ्रू जो आगे करवाई जाएंगी। जब तक ये ओपन नहीं होता है तब तक जो भर्तियाँ होगी वो एच पी पी एस सी शिमला के थ्रू होंगी, तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। भोरन के डुंगरी में नवोदय स्कूल है, तो सैनिक स्कूल आ गया है आपका हमीरपुर में, ऑल ओवर हिमाचल का वो पड़ता है सहारनपुर में। नवोदय स्कूल पूछे हमीरपुर जिला में कहाँ पर स्थित है, तो वो है भोरन के डुंगरी में। और पक पकाओ में जो है आकाशवाणी केंद्र, जरूरी क्वेश्चन है सबसे जरूरी, तो यहाँ पे जो है आकाशवाणी केंद्र है पक पो पक पंडुओं में पंडुओं में ये नाम है जगह का। और यहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, वो है ताल में। ये भी पूछ लेते हैं कि हमीरपुर जिला में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आएगा ताल में। अगर पूछें हमीरपुर जिला में आकाशवाणी का केंद्र कहाँ पे है, वो है पक पड़ोह में। जलाड़ी में दूध अभिषेकन केंद्र है, मतलब ये दूध वगैरह का डिजिटलाइजेशन के लिए केंद्र बनाया गया है। और हमीरपुर में NIT भी है। देखो हमीरपुर में सबसे ज़्यादा जो है, देखो छोटा सा जिला है, NIT यहाँ पे है, सैनिक स्कूल यहाँ पे है, साथ में आपका आकाशवाणी केंद्र यहाँ पे है, हमारा जो चयन है बोर्ड का ऑफिस था वो भी यहीं पे है, और साथ में हमारा नवोदय स्कूल भी यहीं पे है। और गसोत्ता मेला, अब यहाँ पे मतलब हमीरपुर में गसोत्ता मेला सबसे फेमस होता है, पिपलू मेला, शायर मेला, ये यहाँ पे मेले लगते हैं। डेमोग्राफी डाटा की बात करें अब इसके बारे में हम, तो मेरे पूछे लगे जनसंख्या 1901 ईस्वी में इतनी थी, तो ये जो उसके बारे में ही आया कि इतनी जनसंख्या वगैरह है, लिटरेसी रेट वगैरह के बारे में, विधानसभा सीट विकासखंड के बारे में, विकासखंड यहाँ पे 6 हैं, विधानसभा सीटें यहाँ विधानसभा क्षेत्र यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें, ये यहाँ पे बात आती है। अब यहाँ पे बात करें लोकेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला आया हमीरपुर, और उससे जो थोड़ा बड़ा है वो आया बिलासपुर, दूसरे स्थान पे है। और क्षेत्रफल की बात करें तो उसका है 1118 किलोमीटर क्षेत्रफल इसका, जनसंख्या की मैंने आपको बात आई दी है कि इसमें ये है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके जो कौन कौन से स्थान पे कितने पे है, 10वें स्थान पे है ये जनसंख्या के घनत्व के मैटर पे, हाँ वृद्धि की दर के मैटर में 10वें स्थान पे है, और घनत्व 406 सर्वाधिक अधिक है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है फड़कों के बारे में बताया गया है कितनी यहाँ पे फड़के हैं, तो ये बहुत मतलब जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो उसकी जो फसलें वगैरह किस किस स्थान पे है, 2011-12 में माल्टा यहाँ उत्पादन होता था यहाँ पे, फंतर टाइप से होता है, तीसरे स्थान पे था, गलगर के उत्पादन में तीसरे पे, आम उत्पादन में 5वें पे, तो अलग अलग से हैं, इतना जरूरी नहीं है। हमीरपुर जिला 2011-12 में पपीते के उत्पादन में सबसे प्रथम था, एक आपने पूछा जा सकता है कि 2011-12 में पपीते के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला था हिमाचल प्रदेश का, तो वो था हमीरपुर जिला। तो ये थी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में डिस्कशन। तो जो अभी